एक बंदा गुनाह करते चला जाता है, उसके बावजूद भी दुनिया उसके जेब में आते रहती है, वो दुनिया में ओहदे हासिल करते रहता है, वो दुनिया में ऐश की जिंदगी गुजारते रहता है, खेत खलियान बनाते रहता है, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदते रहता है, गुनाह करने के बावजूद दुनिया सरपट उसके पीछे दौड़ती है और दुनिया उसके घर में आ जाती है और वह ये समझ बैठता है कि मेरा रब तो मुझसे खुश है, अगर वो खुश ना होता तो मुझे नवाजता कैसे, वो गुनाह पर जय हो जाता है, वह अल्लाह की याद से दूर हो जाता है, वह अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है और दुनिया के आने की वजह से, दुनिया की लज्जत मिलने की वजह से, नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी होने की वजह से वो ये समझता है कि मेरा रब खुश है उससे, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ढील दे रहा है और उसके साथ इस्तदराज का मामला कर रहा है, उसे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रहा है। तभी चलिए हदीस देखते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हजरत उकबा इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो गुनहगार है, खताकार है, गुनाह में लथपथ है, अल्लाह की बगावत का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, आज बहुत सारे लोगों को इसी चीज ने मारा है, तुम तो नमाजी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो अल्लाह के दीन से जुड़े हुए हैं फिर भी परेशान है, तुम तो सीधे रास्ते पर चल रहे फिर भी मुसीबतें आ रही, तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर रहे उसके बावजूद भी परेशानी का शिकार है, शैतान धोखे में डालता है इंसान को, अल्लाह के रसूल